नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल या स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चाहो तो बेल को दबा सकते हो अगर आपको दबाना है, ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके, और टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, 1 रुपये का पेनी स्टॉक है। और देखो यार, मैं बहुत चीज़ें आपको बोलता हूँ कि चीज़ें आप समझो थोड़ा, है ना, कि नेक्स्ट ऊर्जा बीसीसी बन सकता है, सकता है, ठीक है। स्प्लिट बोनस डिविडेंड सब कुछ दिया है कंपनी ने पास्ट में, और अभी 1 रुपये ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक का प्राइस 6-7 महीने पहले 80 पैसे ट्रेड करता था, और बीच में जब स्टॉक 1 रुपये 30 पैसा आया था तो मैंने ये भी बोला था कि स्टॉक का सपोर्ट एरिया है 1 रुपये 30 पैसे, स्टॉक को नज़रों में रखना। अब ये सब चीज़ें मैंने आपको एक टेक्निकल लैंग्वेज में समझाई थी, टेक्निकल भाषा उसको बोलते हैं हम, टेक्निकल एनालिसिस। और एक क्वेश्चन लगातार मुझे को लोग पूछते हैं, जैसे सर जो भी स्टॉक आप सजेस्ट करते हो, पहली बात मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर मैं सजेस्ट करना हो तो मैं अभी अभी के अभी एक पेड ग्रुप स्टार्ट कर दूँ, सबसे 100-100 रुपये लूँ और 10,000 बंदे उसमें ऐड करूँ, आराम से पैसा अपना छापूँ, लेकिन नहीं करना है। मैं आपको क्या कहना समझाना चाहता हूँ समझो, आपको मैं क्या कहना समझाना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि स्टॉक के कुछ वो होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, तो आपको उनको फॉलो करना है। अगर आपने मेरे वीडियोस देखते हो अंत तक, तो मैं गारंटी देता हूँ यार कि आपने सीख लिया होगा कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, पहली बात। तो दूसरी बात, एक क्वेश्चन मुझे ये बार बार रेज होता है कि सर आपके स्टॉक ना अपर सर्किट में रहते हैं, ठीक है भाई, अपर सर्किट में नहीं रहते। जो वीडियोस आपको मैं दिखलाता हूँ ना, ये एक अपडेटेड वीडियो होता है कि देखो ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसे करके। आपने स्टॉक मार्केट में बहुत सारे आर्टिकल सुने होंगे ना कि 1 रुपये का स्टॉक 2,000 हो गया पढ़ने वाले, तो ये एक वीडियो होता है मोटिवेशन के लिए कि भाई एक का स्टॉक दो हो गया, देखो ऐसे करके। ये थोड़ा ना कि बाय करने के लिए कह रहा हूँ, सिंपल सी बात है। हाँ, बीच में आपको वीडियो के बीच में बोलता हूँ कि ये देखो ये प्राइस एक्शन बनता है, तो ऐसा अगर प्राइस को फॉलो करोगे तो पैसा बनेगा ज्यादा, अगर अभी बाय करोगे तो पैसा क्या नुकसान भी हो सकता है। और एक क्वेश्चन, मेरे एक दोस्त है, दोस्त क्या छोटे है, छोटे भाई समझ सकते हो, एज में बहुत छोटे है, तो एज उनकी अभी 17-18 है, और स्टॉक मार्केट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है, और मेरे ही मतलब कहने का मतलब आप बोल सकते हैं कि थोड़ी बहुत गाइडेंस लेके कर दिया है। तो उनका क्वेश्चन आता है, सर आपके जो स्टॉक के वीडियो देखता हूँ, आपने वी आर इंडस्ट्री दिया था, वो लगातार भाग रहा है, वो जो है लोग, वो जो है 17-18 साल का लड़का है, और बहुत सारे लोग मेरे 17-18 साल के ग्रुप के भी है, वो लगातार वीडियोज देख रहा है, ठीक है, मतलब वी आर इंडस्ट्री को ट्रैक कर रहा है, स्टॉक का नाम वी आर इंडस्ट्री जिसमें बात कर रहा हूँ, पहले आपको दिखा दूँ प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। बातों बातों में मैं क्या क्या बोल देता हूँ समझ नहीं आता, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट मैटर करती है भाई, जो चीज़ें बोलता हूँ सच्चाई बता रहा हूँ आपको। तो ये जो स्टॉक है लगातार देखो ये अपर सर्किट में जा रहा है, तो वो लड़का जो है वो स्टॉक को लगातार फॉलो करने में लगा, 1 रुपये 40 पैसे 60 पैसे के लिए गई से, 1 रुपये 60 पैसे चीज अगर 1 रुपये 84 पैसे हो जाती है, तो साइकोलॉजी समझो कि उसकी साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है। मुझे आके दोबारा सुबह मुझे बोलता है, सर क्या 1 रुपये 85 हो चुका है, इसको बाय कर लूँ? सर नहीं, मतलब भाई बोला कि बाय कर लूँ, तो मैंने उसको यही समझाया, देखो यार स्टॉक मार्केट में स्टॉक को चेज मत करो, वेट करो राइट अपॉर्चुनिटी का। भाई ये लाइन घसीटा मार लो, लिख लो, घोट लो, जो करना कर लो, लिख लो बस, ठीक है। मैंने भी उसको यही समझाया कि ये देखो ये हर किसी के साथ होती है, साइकोलॉजी मैटर करती है, मतलब साइकोलॉजी कैसे होती है, देखो इमोशन कैसे आते हैं। 1 60 में आपने देखा 2 रुपये हो गया, तो सोचो कि लोग कैसे उसको ट्रीट करेंगे, उसको बाय करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि 1 60 से 2 60 हो गया, तो 2 60 से 10 रुपये जाएगा, तो यही गलती लोगों को लेट डूबती है, क्योंकि तो वहां पर वो गलती क्या करते हैं, वो रिस्क प्रोफाइल और मनी मैनेजमेंट को लगाना भूल जाते हैं। क्योंकि भाई अगर आपके एक दो तुक्के सही हो गए, एक दो तुक्के मतलब एक दो स्टॉक आपने लिए मल्टीप्लाई हो गए, तो फिर तीसरे चौथे में आप कर भी क्या करते हो, आप अपने इमोशन में आके मनी मैनेजमेंट की लंका पेल देते हो, आपको पता ही नहीं है मनी मैनेजमेंट क्या होता है, आपको पता ही नहीं रिस्क प्रोफाइल क्या होता है, आपको पता ही नहीं कि आपका उसमें लॉस कितना है, जो सच्चाई है, जो मेरे साथ ही पहले हुआ करता था, इगोस्टिक में आगे, ईगो में आगे, मैं भाई फालतू की क्वांटिटी पाए कर लेता था और पता ही नहीं कि क्या कर रहा हूँ, और लास्ट में ट्रेड में लॉस हो जाता, समझ गया। तो स्टॉक मार्केट में लोगों को लॉस इसलिए होता है क्योंकि उनको अपना ट्रेड साइज नहीं पता है, 100 क्वांटिटी लेनी थी उसकी जगह वो 500 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं, जो हर किसी के साथ होता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, इससे आप ये लेसन सीखो कि भाई आप राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करोगे तो पैसा मल्टीप्लाई होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर चेज करोगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, तो आपको ये बातें समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ लो, अभी अभी नहीं समझोगे तो कल लॉस होगा,
उसके बाद आपको समझ आएगी कि हाँ विवेक सही बोलता था कि हाँ ये बातें सच्चाई है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ का क्या मतलब इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, 3 से 4 साल इन्वेस्टमेंट करा है स्टॉक मार्केट में। वैसे लोग बोलते हैं कि बेकार कर दिए, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट करा है। और टाइम के साथ देखो पैसा तो जाता ही जाता है, बट टाइम सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, सबसे बड़ी एसेट्स है टाइम, तो वो चले जाता है बस, ठीक है। तो मर्जी आपकी, आप उसको अभी सीखोगे या 3 4 साल वेस्ट करने का सीखोगे, मर्जी आपकी है भाई, ठीक है। तो ये जो स्टॉक है वीआर इंडस्ट्री, लगातार आपको अपडेट किया भाई, अपडेट कर दो स्टॉक के बारे में। देखो यहाँ जब आया था सपोर्ट एरिया था, बताया था आपको सपोर्ट एरिया के आसपास बाय कर सकते हो, सपोर्ट बनेगा, स्टॉक ऊपर जा रहा है। आप स्टॉक के टारगेट क्या रहेंगे, देखो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पास में कंपनी ने आपको बोनस डिविडेंड स्प्लिट सब कुछ दिया है, ठीक है, और साथ में देखो 51% के आसपास प्रमोटर्स का पैसा लगा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वीआर इंडस्ट्री किसका है, किसका है स्टॉक है, ये शिल्पा शेट्टी जी की कंपनी है, उनका स्टॉक है और जीएसएम स्टेज 1 में आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना बहुत सारे पेनी स्टॉक्स आपके सस्पेंड हो जाते हैं, तो इस बात को अपने आपको माइंड में रखना है, दिमाग में रखना है। अगर आपने पैसा डाला है तो ये सोच के डालो कि 10 में से भैया 7 तो 0 होने वाले हैं, 3 डेफिनेटली मल्टीप्लाई होंगे और 3 ही आपका पूरा का पूरा पैसा मल्टीप्लाई करेंगे। और ये सच्चाई है स्टॉक मार्केट में, यही मैथ यही साइंस काम करती है कि 7 तो 0 होंगे होंगे, लेकिन 3 ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे पैसा जो शायद आपने सपनों में नहीं सोचा होगा, सपनों में, बाकी आपकी मर्जी। मैंने अपना व्यू शेयर कर दिया है भाई, राइट। अगर ये स्टॉक दोबारा आपको नीचे मिलता है, मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनली मेरा जो व्यू है, ये स्टॉक आराम से आपको 1.70 1.50 के लेवल्स में दोबारा मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है तो घबराना मत, टेंशन मत लेना, मैंने आपको ट्रेडिंग का तरीका बता रखा पेनी स्टॉक्स में, ठीक है, वो तरीके को फॉलो करके आप ट्रेडिंग कर सकती हो, ठीक है। जिनको नहीं पता नीचे कमेंट कर देना, मैं या तो उसका इस संडे वाली क्लास में प्राइवेट क्लास ले लूंगा, या फिर मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है भाई। ट्रेडिंग में थोड़ा रिस्क है भाई, ठीक है, खासकर पेनी स्टॉक में अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो सोच समझ के करना, उतनी अमाउंट डालना जितना खोने के रेडी हो, ठीक है। इट कुड बी जो भी आपका, देख लो जो आपको करना है। तो आप देख सकते हो कैसे मैं ट्रेडिंग कर सकते हैं पेनी स्टॉक्स में, देखो बहुत सिंपल है। जब भी ये टी बार बनता है, जब भी ये टी बार बनता है पेनी स्टॉक्स में, तो ये एक साइन होता है कि स्टॉक में हाथ स्विच किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ स्टॉक को आप एक्यूमुलेट करके चल सकते हो इस टी बार में, ये टी बार होना चाहिए, टी बार ऐसे करके बस, ठीक है ना, ऊपर टॉप होना चाहिए कुछ भी, सिंपल सा टी बार होना चाहिए। और जैसे ही आपको अपने प्राइस में, मान के चलो आपने इसको बाय किया, कितने प्राइस में बाय किया, इसका हाई था 1.29 रुपए, 1.30 रुपए में बाय किया, तो भाई 1.30 रुपए अगर आपने बाय किया तो आपने इसको बेच दिया 1.50 रुपए में, और इसने देखो हाई जो लगाया 1.80 रुपए का लगाया, तो आपको जो रिटर्न आ गया कैलकुलेट कर लो, 20% का रिटर्न आ गया, जो कम नहीं है भाई, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल साइजिंग मत बढ़ाना जब तक आपको एक्सपीरियंस ना हो जाए, 100 200 क्वांटिटी के साथ करो, पहले सीखो कि कैसे ट्रेड किया जाता है, उसके बाद ये काम करना बढ़ाने का, ठीक है। मैंने भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया ट्रेडिंग से करना, मैं करूंगा, ठीक है, जब करूंगा तो आपको बतलाऊंगा, तरीका मैंने आपको बतला दिया है, यही तरीका मैं फॉलो करने वाला हूँ अगर मैं करूंगा स्टार्ट ट्रेडिंग किसी पेनी स्टॉक्स में। देखो जैसे यहाँ था, ठीक है, ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ से 10 20% तो आराम से मिल जाएगा। जीबी फिल्म्स कल मैंने आपको बताया था, आज मैं उसको बाय नहीं कर पाया, ठीक है यार, याद नहीं रहा कि बाय करना था उसको। आज वो स्टॉक देखो यहाँ, ये देखो टी बना था, यहाँ टी बना था, ये रहा, लगता ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि टी कहाँ बनना, अगर टी नीचे, जितना नीचे बनेगा उतना बढ़िया है, जितना दूर दूरी दूर बनेगा उतना खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ हिंट है जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप यूज कर सकते हो ट्रेडिंग में अगर करना चाहते हो तो। बाकी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। और जो बातें बताई है उसको ध्यान रखना भाई, प्रवचन नहीं है ये, सच में इंपॉर्टेंट लेसन है आप लोगों के लिए, राइट। मिलते हैं अगली बार।